एक तरफ दक्षिण भारत किसान बाढ़ जैसी भयानक आपदा का कहर झेल रहे हैं, तो वहीं उत्तर भारतीय किसान सूखे का दंश झेल रहे हैं। दुनिया के लिए अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के लिए यह बरस बेहद ही निराशाजनक रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले के आए भीषण ओलावृष्टि से किसान का रबी फसल पूरी तरह नष्ट हो गया। अब इस खरीफ बुवाई के समय बारिश नहीं हो रहा है, जिसे ज्यादातर किसान पंप सेट से रोपनी कर रहे हैं और अब उनकी समस्या और ही गंभीर हो गया है। ग्राम सरफर और प्रखंड गमराहा के नारायण सरकार दिनेश हवलदार जैसे सैकड़ों किसान पंप सेट से बोरिंग से धान की रोपनी कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से इनकी फिर से पटवन करना पड़ रहा है, जिसके लिए उनके घर का अनाज बेचना पड़ रहा है और कुछ किसान 5% पर मंथ के हिसाब से कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन बिहार सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं किया है। किसी तरह हम लोग खेत को बोरिंग द्वारा पटा कर रोपे, 2 घंटा 2.5 घंटे कट्ठा में लग रहा है, जितना पैसा था उसी में हम लोग दे दिए हैं। लोग से कर्जा लिया है, वो लोग भी मांग रहा है, देखे ना पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, कट्ठा में पानी रहता तो 2 जना लगता, अभी 5-6 जना लग रहा है, एक ओर से सो रहा है, दूसरा ओर से फिर घास हो रहा है, ऐसे धान उपजाया जाएगा भगवान जाने, फिर खाद भी नहीं छीट पा रहा है अभी हम लोग पानी बगैर। इसके लिए हम लोग कुछ अनुदान अगर सरकार से मिल जाए तो फिर हम लोग इसमें पटाएंगे, हाँ, उसके बाद फिर सिंचाई करेंगे, उसके बाद में फिर खादर देंगे। अब हम लोग खेती में रहे कि सब कोई मिलकर जाके उसके पाछे दौड़े। मैं चाहती हूँ हमारे जिले की सूखा प्रभावित जिला घोषित किया जाए, जिससे हम किसान अपनी फसल को बचा सके, जिसके लिए मैं अपने समुदाय के लोगों के साथ जिला कृषि पदाधिकारी से बात करने जा रही हूँ। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस लड़ाई में सहयोगी बने, जिसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 89-87-089-57-0। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू, पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।